कसम से मैं सोचता हूँ कि मैं ना अपना चैनल को ना हटा के एक गेमिंग चैनल चालू कर देता हूँ। मतलब मेरे चैनल पे ना कुछ गेमिंग कंटेंट ज्यादा ही आप लोग पसंद करते हो एंड उसी के हिसाब से हम भी जो है आपके लिए गेमिंग फोन पे ही ज्यादा फोकस करते हैं और इसी तरह से फोकस आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, बस आपको करना इतना है, आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप सभी का स्वागत है मासम इंडिया चैनल पे। लेट्स बिगिन द वीडियो। सो देखो, 778G मेरा फेवरेट प्रोसेसर है और रियलमी ने मेरे सपने को साकार किया है अंडर 20,000 एक बहुत ही बेहतरीन फोन को निकाल के, जिसका नाम है रियलमी 9SE। बट इसका जो गेमिंग टेस्ट है ये कहीं ना कहीं रह गया था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग गेमिंग टेस्ट करेंगे। वैसे बहुत और सा फील हो रहा है, फोन हाथ में अब लग रहा थोड़ा सा कंप्लीट। सो या गेमिंग करते हैं। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि ये डिवाइस केपेबल है 778 का पावर, हमने iQOO के Z5 में देखा है प्रीवियसली। हमारे चैनल पर एक वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, चाहे तो आप आराम से जाके देख सकते हो। अब दोस्तों यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूं। आपने कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में तो जरूर सोचा होगा, ठीक है? और यार वो जमाना चला गया कि आप किसी को पूछो कि भाई यार ये इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। देखो यार, आपके पास एक कंप्यूटर तो होगा, नहीं है तो आपके पास एक स्मार्टफोन तो होगा, है ना? बस आप एलिजिबल हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यस दोस्तों, आप अपने स्मार्टफोन से इस ऑनलाइन की दुनिया में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा होगा कि भाई ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और स्पेशली अगर मैं बिल्कुल ही न्यू हूं और मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो दोस्तों बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और भाई सबसे सिक्योर्ड एक ही है, जिसका नाम है capital.com। दोस्तों capital.com एक अवार्ड विनिंग CFD ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है? एंड यार ये जो है आपके एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, स्मार्टफोन टैबलेट सभी के लिए। अगर आप एक PC यूजर हो तो आप अपने फेवरेट वेब ब्राउजर से भी इसको एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन। capital.com UK का सबसे बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और भाई हो भी क्यों ना, 4,000 से भी ज्यादा जो है इसमें आपको पॉपुलर मार्केट देखने को मिल जाता है, जिसपे आप वन क्लिक पे ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों स्टॉक, फोरेक्स, कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसी पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इतने सभी मन ना भरे ना, तो capital.com पे आप बड़ी कंपनी जैसे कि टेस्ला, एप्पल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब समझे कि मैं क्यों कह रहा हूँ capital.com सबसे बेस्ट है। दोस्तों capital.com पे ना आपको कोर्स एंड गाइड भी देखने को मिल जाता है। अब इसके मदद से आप नॉलेज भी ले सकते हो। देखो आपको डेमो अकाउंट भी मिलता है, तो इसी नॉलेज को आप अपने डेमो अकाउंट पे भी यूज कर सकते हो। और जब आप अपने नॉलेज को पूरे डेमो अकाउंट पे यूज करके जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाओ, रेडी हो जाओ, तब अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही आसानी से पूरे प्रिपेरेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। इतना नहीं दोस्तों, इसमें आपको AI टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है, जिसकी मदद से आप जो है अपना एक प्रॉफिटेबल डिसीजन भी ले सकते हो। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की तो चिंता छोड़ी दो, एकदम हाई स्टैंडर्ड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को भी इन्होंने फॉलो किया है। capital.com पे दोस्तों रेगुलर ट्रेडिंग कंपटीशन भी चलता रहता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और पता है एक और बहुत ही खास बात इसी capital.com की, कि इसका जो KYC प्रोसेस है ना वो 1 घंटे में पूरा हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने की सोच लिए हो तो capital.com से अपनी जर्नी को आज ही स्टार्ट करो। डिटेल दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पर मैंने पिन कर दिया है, तो डू चेक इट आउट। अब चलो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हमारे इसी फोन के जो है डिफॉल्ट सेटिंग में, जो कि है स्मूथ और एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम आपको डिफॉल्ट सेटिंग में मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन एक बुरी बात यह है कि आप इसमें कोई भी कॉन्फ़िग एनाल कुछ भी यूज करके 90 FPS अचीव नहीं कर सकते, और ये रियलमी का बहुत बड़ा पंगा है। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते, 60 FPS भी इनफ होता है मेरे हिसाब से एक बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस करे। तो चलो जंप करते हैं हमारे 8x8 के मैप पे, उसके बाद फर्दर हम लोग क्लासिक में कंटिन्यू करते हैं। And does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. No! Expired! Over and the blue team is in the lead. Nice shot. Reloading. Dead. Cover me. Killed. Out to win. No mercy. Expired. Killing spree for the red team. अब दोस्तों यहाँ पर बात हो गई, तो हमारे TDM के जो कि काफी ठीक ठाक था, बट यहाँ पर एक बार हम लोग जरा सा एरेंगल भी खेल के देख लेते। तेरा बंदा है भाई, मार उसको, मार दिया, तू मर गया। Thank you.
मेरे को मार। क्या हो रहा है? अच्छा पीछे 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 भाई पीछे। अरे पीछे गाड़ी चेंज करना। अरे भाई आप तो नंबर के गाड़ी चेंज करने नहीं, गन चेंज करने नहीं हुआ। एवरेज लगा है, मतलब पता नहीं क्यों क्या हो रहा था, आई डोंट नो। बस खेलते वक्त ढंग से टच रजिस्टर नहीं हो रहा था या फिर बराबर से टच काम नहीं कर रहा था, पता नहीं प्रॉब्लम था। ठीक है, बट शैनॉक की टेस्टिंग बाकी है तो क्विकली शैनॉक पे भी चलते हैं। बंदा है घर पे आ जा। अबे अंदर जाना, भाग जा भाग जा भाग जा। अरे क्या बात है, ओ पीछे बंदा पीछे बंदा, इधर इधर पीछे बंदा पीछे बंदा। कॉर्नर पे जल्दी आए। अबे गन क्यों नहीं मिलता है यार, ये गलत बात है यार इतना। अब दोस्तों यहाँ पर शैनॉक पे भी अगर आप गेम प्ले देखोगे तो शैनॉक पे भी जो FPS है आई वुड से कि डिसेंट है, मतलब 40-45 का एवरेज FPS आपको मिल जाता है। ठीक है, 50 भी मिल जाता है, ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ सीन पे तो आपको 60 भी मिल जाता है। ठीक है, सो या मिनिमम 40-45 का एवरेज हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा रश हो गया तो ये FPS आपको मिलता ही है। क्या हुआ, तू नॉक हुआ क्या? तू किधर है भाई? सो या दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इससे बेटर परफॉर्मेंस मैंने आईक्यू के Z5 में देखा है, बट मैं कोशिश पूरी तरह से कर रहा हूँ कि मैं उस फोन को भी अरेंज कर पाऊँ। सो या दोस्तों यहाँ पर ज्यादा कुछ बात नहीं करते, रियलमी 9 ऐसी बहुत ही फ्रेश प्रोडक्ट है तो अपडेट का वेट करते, मे भी अपडेट में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल जाए परफॉर्मेंस में बूस्ट। तो हालांकि रियलमी 9 ऐसी का जो अपडेट रिकॉर्ड है बहुत ही खराब है, मतलब इतना अच्छा नहीं है अभी फोन। ये खुद एंड्रॉइड 11 पे चल रहा है, बाकी इसी के कॉम्पिटेटिव जैसे मैंने बताया आईक्यू Z5 अभी करेंटली एंड्रॉइड 12 पे चल रहा है। सो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड अगर मुझे गेमिंग प्रेफरेंस के लिए ये फ़ोन लेना पड़े तो डेफिनेटली मैं नहीं लूँगा। ठीक है, मैं नहीं लूँगा, बट यार ये फ़ोन बुरा नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें जो मुझे बाद में मालूम पड़ी, जो मैं इसके रिव्यू वीडियो में कवर अप करूँगा। सो या दोस्तों यहाँ पर जाने से पहले कैपिटल को ज़रूर से चेकआउट देना भाई, बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए, ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, सारा डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा, सब्सक्राइब मार के जाना भाई। सही, मिलता है अगले वीडियो के, ध्यान रखिएगा, बाय बाय। मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी ना तो इसकी शक्ल देखकर सब्सक्राइब मार दो।